चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश में जब जब कोई त्यौहार होता है या फिर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है तो उसमें ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि माहौल जो है काफी तनावपूर्ण हो जाता है। और एक बार फिर ऐसा ही हुआ और ये हुआ है बहराइच में, जहां पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम था लेकिन इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन अब इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और साथ ही साथ अब आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई। देखिए पुलिस इंचार्ज और एसएचओ पर जैसे ही सवाल उठे तो उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या निर्देश दिए गए, सब कुछ आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर मूर्ति विसर्जन पर बवाल, एक बार फिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव। मूर्ति विसर्जन पर एक बार फिर नफरती और जिहादी सोच ने अपना रंग दिखा दिया। बहराइच में विसर्जन के दौरान पहले शोभा यात्रा को लेकर विवाद हुआ और बाद में जमकर पत्थर चले। यही नहीं, बात गोलीबारी तक भी पहुंची और इस पूरे विवाद में एक शख्स की जान तक चली गई। लगभग 12 से 13 घाव के निशान दिख रहे हैं, जब इसी घर के अंदर उसी छत पर उसको खींच के गोलियों से मारा गया और अभी भी इसको सील कर दिया गया है इस एरिया को, पूरे एरिया को। हम वहां नहीं जा सकते लेकिन खून के छींटे अब भी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खून के छींटे उन छतों पर पड़े हैं। ये घर वो इकबाल का ये घर है और इसी में चार लोग अलग अलग बंदूक लेकर आते हैं। 12 बोर के बंदूक से फायर की जाती है और उस व्यक्ति की जान ली जाती है। ये पल्सर मोटरसाइकिल दिख रही है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया है। एक ये ट्रॉली, ये देखिए एक ट्रॉली जिस पर फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं, इस ट्रॉली को जला दिया गया है। एक साइकिल है, ये साइकिल जलाया गया है। जिस मूर्ति का विसर्जन होना था वह मूर्ति भी अभी विसर्जित नहीं हो पाई है और दुर्गा माता की जो ये मूर्ति है वो देखिए यहीं की यहीं रखी हुई है, अभी ये विसर्जित नहीं हो पाई है क्योंकि उसके पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई। पूरा मामला शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने उन्हें शोभा यात्रा के दौरान गाना बजाने से रोका। शोभा यात्रा ले जा रहे लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके कुछ देर बाद शोभा यात्रा पर अचानक पत्थर बरसने लगे जिससे वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। भगदड़ के दौरान फायरिंग भी हुई और 3 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। इनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर इलाके में पहुंचते ही शोभा यात्रा निकालने वालों ने रास्ता जाम कर दिया। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विसर्जन के लिए जा रही बाकी यात्राओं को फिलहाल रोक दिया। पूरे महाराजगंज में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है वहाँ पे हमारे जो भी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है सभी जगह पे पुलिस द्वारा विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कराई जा रही है और विसर्जन समाप्त होने के तत्काल बाद उनकी गिरफ्तारी भी आरंभ हो जाएगी। जो महाराजगंज में घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई है उसमें 30 संदिग्ध व्यक्तियों को पुलिस द्वारा ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो मुख्य आरोपी है जो कि भाग गया है उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई है, उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम्स को डिस्पैच कर। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बेहद गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बहराइच में जो हुआ वो इस देश में किसी राज्य या फिर जिले में होने वाली कोई नई घटना नहीं है, लेकिन सवाल ये है आखिर शोभा यात्राओं या फिर मूर्तियों से परेशानी किसे है और आखिर इनका इलाज क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी खबर पर राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सबसे पहले तो ये बताइए कि ताजा अपडेट क्या है, वहां का माहौल अभी क्या है? देखिए ताज़ा अपडेट ये है कि पूरे महसी तहसील में यानी कि बहराइच से जो महसी का जो लगभग 30 से 35 किलोमीटर का जो सीतापुर ये रोड है ये पूरी तरह से छावनी में तब्दील है, क्योंकि कल जब लखनऊ से जब हम आ रहे थे तो बहराइच से लेकर महसी तक चारों तरफ लोग सड़कों पे आ चुके थे। जो झांकियाँ थी यानी कि जो मूर्ति थी वो विसर्जित नहीं हो पाई थी, वो सड़कों पर ही रखी गई थी। तमाम तरह की जो गाड़ी बस और ट्रक सब सड़कों पर ही थे, चक्का जाम भी था, तो बहुत सारी स्थिति खराब थी। ऐसे में पुलिस ने पूरे इस माहौल को संभाल लिया था, पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी हुई थी और आज भी पुलिस लगी हुई है। अब चारों तरफ से चूंकि और भी अगल बगल के जिलों से पुलिस आ चुकी है, बलरामपुर की पुलिस आ गई है, गोंडा की पुलिस आ गई है और लखनऊ से तमाम अधिकारी लोग यहां पर मूव कर गए हैं। इधर रात में यही स्टे
किए हैं। तो जो स्थिति है, चूंकि एक व्यक्ति की बेदर्दी से मौत हुई है, 20 वर्ष का युवक था और लगभग आधे दर्जन लोग घायल हैं इस पूरे मामले में। दुर्गा माता का वो निकल रहा था, चूंकि जैसे कि होता है 9 दिन मूर्ति रहती है और 10। ठीक है राघवेंद्र, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुंबई में जो हुआ उसकी, बांद्रा में जो हुआ उसकी बात करेंगे। और अभी आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जांच का दायरा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से होते हुए दायरा मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है पुनीता। बिल्कुल, और देखिए जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है, इस केस की गुत्थी जो है वो सुलझ रही है, लेकिन अभी भी पुलिस जो इस पूरे मामले की तहकीकात जो है वो कर रही है, पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे वारदात में और भी ऐसे आरोपी हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिन तक पहुंचने की पुलिस अभी पूरी कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार जो अब तक हरियाणा, यूपी और दिल्ली में घूम रहे थे, वो तार अब गुजरात और एमपी तक भी पहुंच गए हैं। रविवार को मुंबई क्राइम ब्रांच में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि इस पूरी प्लानिंग में कुल 6 लोग शामिल हैं। 3 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह, प्रवीण लोनकर की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी जसीन अख्तर, शिवा प्रसाद गौतम, सिबू लोनकर अब भी पुलिस के गिरफ्त से फरार हैं। आरोपी भले ही पुलिस की पहुंच से बाहर हैं, लेकिन इस हत्या की पूरी गुत्थी सुलझाने में पुलिस लगभग कामयाब हो चुकी है। पुलिस अब तक ये जान चुकी है कि किसने किसको क्या काम सौंपा था। तीसरा आरोपी प्रवीण लोनकर, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो सिबू लोनकर का भाई है। सिबू लोनकर ने फेसबुक पोस्ट पर हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सिबू लोनकर को भी अभियुक्त बनाया है। फिलहाल सिबू लोनकर फरार है। प्रवीण लोनकर और उसके भाई सिबू ने ही शिव प्रसाद गौतम और धर्मराज कश्यप को इस हत्या के लिए हायर किया था। धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम पुणे के जिस स्क्रैप की दुकान में काम करते थे, उसके साथ ही प्रवीण लोनकर की भी दुकान थी। यानी एक स्क्रैप की दुकान से इस पूरी हत्याकांड की प्लानिंग शुरू हुई। प्लानिंग में कुछ और भी बातों का ध्यान रखा जाना था, हालांकि हालात को देखते हुए आरोपियों ने वो काम नहीं किए। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक दोनों आरोपियों से 2 पिस्तौल बरामद की गई है। आरोपी मिर्च स्प्रे लेकर आए थे, पहले उन्हें स्प्रे करना था और फिर फायरिंग करना था, लेकिन तीसरे आरोपी शिव कुमार गौतम ने सीधे फायरिंग शुरू कर दी। हैरानी की बात तो ये भी है कि बाबा सिद्दीकी के साथ 3 कांस्टेबल थे और घटना के वक्त भी 3 कांस्टेबल वही थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। इस फायरिंग में एक और व्यक्ति घायल हुआ है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। इस मामले के आरोपी धर्मराज कश्यप ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में खुद के नाबालिग होने का दावा किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद जब टेस्ट हुआ तो वो बालिग निकला। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या में अब पुलिस बचे हुए 3 आरोपियों को तलाश रही है। अब तक जो परतें खुली हैं उससे हर कोई हैरान है, लेकिन जब 3 और आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा तो और कितने खुलासे होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक आरोपी है जो फरार चल रहा है, उसकी तलाश भी लगातार जारी है। लेकिन हम जरा बात कर लेते हैं कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथा आरोपी जो है उसकी तलाश अब लगातार जारी है। बिल्कुल, कौन है जीशान उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, और चौथा आरोपी है अभी हत्याकांड में जो फरार चल रहा है उसको लेकर तलाश की जा रही है और पुलिस को इसकी अभी तलाश है। बिल्कुल, इसके अलावा पंजाब की जालंधर का रहने वाला जीशान है, आपको